मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने शनिवार को नगर निगम के द्वारा चलाए गए सैनिटाइजेशन महाअभियान का औचक निरीक्षण किया, जिसके संबंध में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने बताया कि शासन के द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का सभी लोग पालन करें। मंडलायुक्त ने कहा कि जनपद में कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, जिससे मरीजों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि जहां पर संक्रमण अधिक फैल रहा है उन स्थानों को चिन्हित किया गया है। उन्होंने कहा सब्जी मंडी, बाजार, सीएचसी, पीएचसी, जिला चिकित्सालय, जिला महिला चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज तथा प्राइवेट हॉस्पिटल जो कि कोविड मरीजों के लिए सेवा प्रदान कर रहे हैं, इन स्थानों पर संक्रमण फैलने का खतरा ज़्यादा है, जिससे इन स्थानों को सैनिटाइज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में चीनी मिलों तथा नगर पंचायत की तरफ से सैनिटाइज करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सैनिटाइजेशन संक्रमण को फैलने से रोकता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा यहाँ पर क्या होगा, लोग कतर को हाथ लगाएंगे, इधर लगाएंगे, ये जो पकड़ने वाला है इसको पकड़ेंगे, बर्बाद मत करते बंद हुआ है इस पर तो हमें करनी है। और उसके साथ साथ क्योंकि हमारे यहाँ संक्रमण की गति तीव्र है, प्रतिदिन 1000 के करीब केसेस आ रहे हैं, तो हमारा ये प्रयास है कि हमने चिन्हित किए हैं वो स्थान जो प्रायोरिटी के बेसिस पर हमें डेली करने हैं, वो चाहे सब्जी मंडी और बाज़ार हो, वो पीएचसी, सीएससी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, महिला चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज और वो सभी प्राइवेट चिकित्सा संस्थान जो कोविड और नॉन कोविड की सेवा प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि ये वो जगह हैं जहां पर आपके संक्रमित ज़्यादा जा सकते हैं या जिनकी प्रोबेबिलिटी है संक्रमण फैलाने की वो लोग जा सकते हैं। और उसके साथ साथ हमारे जो मेन कार्यालय हैं, मेन बाज़ार हैं, उन सबको भी कवर करने की आवश्यकता है, वो भी हम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम लोगों ने टाउन एरिया जो नगर निकाय हैं उनके बाहर जो है चीनी मिलों की सहायता से और ग्राम पंचायत की मदद से भी हम लोग छिड़काव का कार्य कर रहे हैं। उम्मीद ये है कि ये एक जो संक्रमण को रोकने का प्रबंधन है, जो स्ट्रेटजी है, उसमें संक्रमण ब्रेक करने में ये बहुत मदद करता है और हम आशा करते हैं कि हम इसको संक्रमण को कंट्रोल करने में ये एक बहुत प्रभावी भूमिका निभाएंगे।